नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। फिल्मों में आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या वक्त की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्या इसी वजह से कुछ नेता और कुछ मौलाना इस सर्वे पर बहुत गुस्सा गए हैं, आग बबूला हो गए हैं? आखिर सर्वे के खिलाफ इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? आज हम इसकी हर परत आपके समक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कोई 2-400 नहीं, 2-4 हजार नहीं, बल्कि 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड के पास ये लाखों एकड़ की जमीन कैसे आई? आज इस पर मैं कई बड़े खुलासे करने वाला हूं। लेकिन योगी सरकार के सर्वे के खिलाफ ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक मैदान में कूद गए हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी सरकार एक विशेष समुदाय को सिलेक्टिव टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार पूरे प्रदेश में हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर सर्वे का इतना विरोध क्यों हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्फ की संपत्ति, सर्वे पर क्यों आपत्ति? क्योंकि सामान्य तौर पर मैं ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो देश की आंखें खोल देखा। आखिर मनमोहन सरकार और वक्त की जमीन का क्या कनेक्शन है, उसका दस्तावेज मैं लेकर आया हूं। और आज जब इस दस्तावेज की परतें खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। 1995 की जब परतें खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। आज मैं ये पेपर आपके समान सबूत के तौर पर लेके आया हूं, तो आज आर का आर पार आप जरूर देखिए, मेरा निवेदन है। मदरसों के बाद योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे करवाने की तैयारी शुरू कर दी। इस सर्वे का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकना है। लेकिन सर्वे का ऐलान होते ही ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक आग बबूला हो गए, और इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल फिट किया जा रहा है। सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की। आपका मकसद यह है कि इस तरह का सर्वे करा के उन वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने का। मदरसों का क्यों सर्वे? सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों? हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। वक्फ तो खुदा की संपत्ति है, इस पर ना किसी को कब्जा करने का हक है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए, और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। लेकिन योगी सरकार ने साफ साफ कहा है कि वक्फ के सर्वे का काम 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया गया, जिसके तहत बंजर, ऊंची, टीलेदार जमीन खुद ब खुद वक्फ को मिल जाती थी। भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड को देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक कहा जाता है। ऐसे में अगर योगी सरकार वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करवा रही है तो इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्फ की संपत्ति, सर्वे से क्यों आपत्ति? आप इंतजार कर रहे होंगे इस खुलासे का, जो अब से कुछ मिनट बाद मैं करूंगा। ये खुलासा अब से कुछ मिनट बाद मैं करूंगा, इसलिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप बने रहिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो बने रहिए। आज का आर पार बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं वक्फ बोर्ड की जमींदारी का विश्लेषण। बहुत छोटा सा विश्लेषण है, जरूर देखिए। सेना के पास जमीन है 18 लाख एकड़, कुछ दिक्कत आ रही है ग्राफिक्स के अंदर। 18 लाख एकड़ के करीब जमीन है सेना के पास। रेलवे के पास जमीन है 12 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो है 8 लाख एकड़। यानी 18 लाख एकड़ सेना के पास, रेलवे के पास 12 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़।
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 18 लाख एकड़, 12 लाख एकड़ और 8 लाख एकड़, ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि इस समय बहुत कुछ कहता है। 2009 में वक्फ की जमीन की तिथि 4 लाख एकड़, 13 साल बाद में कितनी हो गई, वो दोगुनी हो गई जमीन, ये बड़ा खुलासा है मैं आपको बता रहा हूं। और अब बड़ा सवाल क्या है, क्या पूरे देश में वक्फ की जमीन का सर्वे होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आर पार में आंखें खोल देने वाला खुलासा आपसे कुछ मिनट बाद में करने वाला हूं। ये दस्तावेज जो मेरे हाथ में है इसकी मैं पूरी पड़ताल आपको दिखाऊंगा कि आज से कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था वो आपको मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन पहले आज कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है, शलभमणि त्रिपाठी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विधायक है, मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अश्विनी उपाध्याय है, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इन्होंने वक्फ एक्ट के खिलाफ पीएएल डाली हुई है। मेरे साथ वजाहत कासमी है, जाने माने मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है, प्रवक्ता एआई एमआईएम के। सुमैया राणा है, नेता समाजवादी पार्टी की। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, आपका अभिनंदन है। वारिस पठान, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, एक बात बताइए। देखिए अमीश भाई, दिक्कत और परेशानी ये है कि ये योगी सरकार और भाजपा सरकार एक सिस्टमेटिक रीत से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पहले सर्वे किया इन्होंने मदरसों का, हमने कहा कि मदरसों का सर्वे कर रहे हो तो गुरुकुल का करिए, जो अनएडेड मदरसे का तो आर्टिकल 30 के थ्रू वो है, उसको प्रोटेक्शन है, आप करिए। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर का सर्वे करिए जहां पर देखिए बच्चे किस खस्ता हालत के अंदर तालीम ले रहे हैं। अब वो हो गया तो अभी लोगों ने शुरू कर दिया वक्फ बोर्ड का सर्वे, वक्फ की जमीनों का सर्वे कराएगी सरकार। मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि जो आदेश निकाला है ये पर से इल्लीगल है, बैड इन लॉयर। योगी सरकार को इमीडिएटली जो सर्वे का आदेश निकाला है उसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट सिर्फ मुसलमानों का है। आप मठों का क्यों नहीं कराते, जो काफी सारी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के तहत काफी सारी मंदिर है, ट्रस्ट है, उसका क्यों नहीं सर, आपकी जानकारी है, एक 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 सामान्य जानकारी जो मैंने अभी चैनल पर जो होता है ना वक्फ बोर्ड का, एक सेकंड वारिस, सुनना पड़ेगा वारिस, उसके पास सारी नॉन स्टॉप नहीं हो सकता वारिस जी, नॉन स्टॉप नहीं हो सकता, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा। क्या जरूरत है साहब आपको, वारिस पठान एक सेकंड, सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है, और इसका 1995 से बड़ा ताल्लुक है, इसका 2014 से बड़ा ताल्लुक है, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, जब 1995 में ये एक्ट बन रहा था तब आपने बोला था कि कैसे हमारे नाम कर रहे हो जमीन, ये यतीमों का अधिकार की जमीन है। नहीं नहीं, बिल्कुल सबके अधिकार की जमीन है। एक मुझे बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल, तमिलनाडु के अंदर एक का एक पूरा का पूरा गांव वक्फ के नाम हो गया है, जहां पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के नाम हो गया है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सर्वे में परेशानी क्या है, अगर सब कुछ जायज है। नहीं नहीं सर, आप सुनिए ना, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये हमारे मजलूमों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार की जमीन है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, आप उसका कुछ चेंज नहीं कर सकते लीगल स्टेटस को। तो किस तरह से आप ये काम करना चाहते हो सर्वे का, वहां पे सीईओ किसने अपॉइंट किया? ठीक है, ओके, शलभ 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 रिएक्शन, शलभ रिएक्शन, उसके बाद मैं काउंट डाउन दे रहा हूं, अगले 50 सेकंड के अंदर व्यूअर्स, अगले 50 सेकंड के अंदर आंखें खोल देने वाला खुलासा। ओके, 83 सेक्शन, ओके, शलभ बड़ी, शलभ बड़ी रिस्पॉन्ड टू डिबेट में अमीश भाई, सेक्शन 83, आई विल कम टू ईच एंड एवरी सेक्शन, वारिस पठान, टुनाइट आई विल कम टू ईच एंड एवरी सेक्शन, टुनाइट आई विल कम ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन एंड ईच एंड एवरी ईयर, हर साल पे आऊंगा, हर सेक्शन पे आऊंगा, जो आप बोलेंगे वो बताऊंगा। लेकिन अब से 50 सेकंड बाद बहुत बड़ा खुलासा, शलभ मणि, ये एक्ट लाने, ये सर्वे कराने की जरूरत क्या थी, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, अखिलेश यादव और ओवैसी साहब एक ही सुर में बोल रहे हैं, हमारी जमीन खाने की कोशिश की जा रही है, AIMM कह रही है हमारी जमीन खाने की कोशिश है, जवाब, ओके, लेट हिम रिस्पॉन्ड ना, इनकी जमीन, बस बिल्कुल सही कहा वारिस पठान साहब ने, बिल्कुल सही कहा, इनकी जमीन, इनको जो मुगालता है ना कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो इनकी प्रॉपर्टी है। अमीश भाई आप पता करिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर जो शिकायत है उसमें 99% नहीं, 100 के 100% शिकायतें मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है, और ये जो वारिस पठान साहब बोल रहे हैं कि हमारी जमीन, यही शिकायत है,
कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, यतीम मुसलमानों के लिए, विधवाओं के लिए है, गरीबों के लिए, जो साधारण मुसलमान है उस पर, अरे वालिद साहब बोलने दीजिए, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। लेकिन कब्जा किसका है उस पर? जो माफिया है इनके, उनका कब्जा है। किसी ने होटल बना लिया, किसी ने रेस्टोरेंट बना लिए, किसी ने मॉल बना लिए, किसी ने अपना प्राइवेट स्कूल बना लिया, यानी गरीब मुसलमान के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूटा और उसके बाद से उस पर कब्जा किसका है? तो इनका व्यक्तिगत कब्जा है। जो ये वारिस साहब कह रहे हैं हमारी जमीन, कोई आपकी हमारी जमीन नहीं है, ये 130 करोड़ भारत हिंदुस्तान के भीतर रहने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार जी, है जी। और जहां पर सरकारी मैं वापस लौट के आता हूं, लेकिन अब वक्त है इस खुलासे का। मैंने वादा किया था अगले 50 सेकंड के अंदर ये खुलासा मैं आपको बताऊंगा। हिंदू इस देश में जितनी जमीन है, ये बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। इस देश के अंदर 2014 में जब आचार संहिता लगी थी, उससे एक दिन पहले, या फिर मैं कहूं आचार संहिता से कुछ घंटे पहले, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का खेल देखे, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शासन आदेश जारी करा गया। 5 मार्च 2014 को बड़ा शासन आदेश जारी करा गया और उस शासन आदेश में क्या लिखा जाता है यह जरूर सुनिएगा। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले यह आदेश आता है, दिल्ली में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दी जाती हैं, उन्हें दे दी जाती हैं, जिसमें लोधी रोड, मिंटो ब्रिज जैसे वीवीआईपी पॉश इलाकों में भी जमीन दी गई। उसके बाद कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड पर भी जमीन दी गई। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर फैसला लिया गया। आपने कभी देखा है सरकार के अंदर आप एक अर्जी लगाए और एक हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए? यह प्रकाष्ठा थी तुष्टिकरण की, क्या ये प्रकाष्ठा थी तुष्टिकरण की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे? सिर्फ चंद घंटे पहले, यानी जब ऑफिशियली हो रहा था कि सरकार आदेश कोई नहीं ले सकती, उससे चंद घंटे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। ये बड़ी खबर है और इनकी कीमत मैं अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूं 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी, 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। ये वो शासन आदेश है जो मेरे पास है और इस शासन आदेश में एक एक डिटेल है, कहां कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी गई। तिलक ब्रिज पे प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा वेस्टर्न कोर्ट पर प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा अशोक रोड, इसके अलावा कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, मिंटो ब्रिज, लोधी रोड, दिल्ली के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी दे दी गई। और सिर्फ एक हफ्ते के भीतर अर्जी लगाने के भीतर ये दी गई। लेकिन अभी मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं आपको 1995 में लेके जाना चाहता हूं। 1995 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने क्या किया था, 1995 में लेके चलता हूं आपको। 1995 में आखिरकार ये एक्ट बना कैसे था, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 1995 के अंदर इस एक्ट को कैसे, जिसे हम कह सकते हैं पूरे एक्शन के साथ लेके आया गया, 1995 का वक्फ कानून, जिसमें केंद्र सरकार कानून को लेकर आई थी, इसी पर अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में इसको पीआईएल डाल के चैलेंज किया है। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है। अगर बोर्ड ये मान ले ये संपत्ति उसकी है तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपकी संपत्ति के ऊपर वक्फ ये दावा कर देता है कि संपत्ति उनकी है, तो आपको प्रूफ करना है। ये वक्फ एक्ट 1995 मैं आपको बता रहा हूं, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तब किसी ने सवाल खड़े करे थे कि अचानक ये एक्ट क्यों आ रहा है? 1995 के अंदर एक प्रकाष्ठा हुई और 2014 में चुनाव से ठीक पहले एक प्रकाष्ठा होती है। यह अपने आप में दो चीजें को एस्टैब्लिश करता है। मैं रुक करता हूं अश्विनी उपाध्याय का, जो स्टोरी इस समय अश्विनी उपाध्याय मैं एक्सपोज कर रहा हूं, खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो करा था ठीक चुनाव से पहले। नेटवर्क 18 को बहुत बहुत बधाई। अमित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है, और यह केवल अवैध कब्जा ही नहीं करता, ये गांव देहात में जो गोचर की जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो सिंचाई विभाग की जमीन है,
जो ग्राम समाज की जमीन है, जो बंजर जमीन है, ऊसर जो ऊसर कहते हैं उस पे भी इसने बड़े पैमाने पे कब्जा किया हुआ है। आदिवासी एरिया में जहां आदिवासी रहते हैं वहां बड़े पैमाने पे इसने कब्जा किया हुआ है। दिक्कत ये हो रही है अमित जी कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी जमीन है तो मेरठ और मुजफ्फरनगर का बेचारा आदमी, गरीब आदमी वहां पास की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ेगा। और इसको इतनी पावर दी गई है बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी एविडेंस के ये किसी को नोटिस भेज सकता है। आज की डेट में अगर वो कह दे नेटवर्क 18 का ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी है तो नेटवर्क 18 के CEO आपके जो मतलब चीफ होंगे वो नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ेगा यहां से 600 किलोमीटर दूर नोएडा से लखनऊ और उस ट्रिब्यूनल के सामने जाके पेश होना पड़ेगा जिसमें मेजोरिटी एक कम्युनिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसी व्यवस्था हिंदुओं के लिए तो नहीं है, ऐसी व्यवस्था जैन के लिए नहीं है, ऐसी व्यवस्था बौद्ध के लिए नहीं, ऐसी व्यवस्था पारसी के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए, किसी के लिए नहीं, केवल एक कम्युनिटी के लिए। अरे भैया भारत में संविधान है, समान विधान है, सबको इक्वल प्रॉपर्टी राइट है, इक्वल सबको सिक्योरिटी है, फिर एक कम्युनिटी को क्यों? ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका सर्वे, वक्फ का सर्वे क्यों हो रहा है, मठ मंदिर का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, मठ मंदिर के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं है, मठ मंदिर का विवाद वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, राम मंदिर का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, काशी का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला। ओके 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 ओके, लेट मी गेट सुमैया राणा। सुमैया राणा, अगर सब कुछ जायज है, अगर सब कुछ जायज है तो फिर आपत्ति क्यों है? अखिलेश यादव आपत्ति क्यों कर रहे हैं? और मैंने इस समय जो स्टोरी एक्सपोज कर रहा हूं, आप बताइए 2014 के अंदर चुनाव घोषित होते हैं और उससे एक दिन पहले वक्फ को दिल्ली के अंदर 120 से ज्यादा संपत्तियां दे दी जाती हैं जिनकी अमूमन कीमत 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में है, एक हफ्ते में फाइल पारित हो जाती है। बिल्कुल अमीश जी, आपने जिन चीजों पर रोशनी डाली है मैं भी कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूं, मैं उस पर रोशनी डलवाना चाहती हूं। सुन्नी औकाफ कम से कम यानी सुन्नी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख के करीब हैं, 1,25,000 के आसपास, और शिया 35,000 के आसपास। और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अकेले लखनऊ के अंदर आपको मालूम है कि कितने सारे सरकारी इदारे हैं जो चल रहे हैं इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर। मैडम मेरा सवाल ये नहीं है सरकारी इदारे चल रहे हैं नहीं चल रहे, मेरा सवाल ये है कि जब वक्फ एक्ट बना था 1995 में वक्फ एक्ट बना था तब किसी ने सवाल पूछा था कि ये एक्ट क्यों बना दिया जिसमें हम जो जमीन को क्लेम करें वो जमीन हमारी हो जाएगी और सामने वाले को प्रूफ करना है? 1995 की छोड़िए, अभी की बात करिए, सर्वे कराने जा रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। 1995 से पहले कुछ नहीं था, क्या 1995 से पहले कुछ नहीं था? क्या गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के इदारे चल रहे हैं क्या उसकी फीस उसका किराया देगी वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड के अंदर की अगर आप हालात जान लीजिए तो 30-30 महीने से लोगों को सैलरीज नहीं मिली है, वहीं के लोगों की शिकायत मैं बता रही हूँ आपको, सिक्स पे ग्रेड के जो कमीशन का। मैडम मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे ये काफिला क्यों लूटा गया? मैं इधर उधर नहीं बता रही हूँ, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैडम मेरा निवेदन ये है, ये बताइए ये काफिला क्यों लूटा गया? ये काफिला लूटा गया है उसी के तो हालात है जो आज ये 1995 से लूटा गया है काफिला, नाटक किस 1995 से लूटा गया काफिला? देश की जनता ने क्या अमीश जी, क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वक्फ बोर्ड के सर्वे के लिए या मदरसे के सर्वे के लिए वोट दिया था? क्या बेरोजगारी हटाने के लिए नहीं दिया था? क्या नौकरियों के लिए नहीं दिया था? क्या महंगाई हटाने के लिए नहीं दिया था? क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं दिया था? क्या महिला सुरक्षा के लिए नहीं दिया था? क्या हिंदू मुस्लिम करके क्या ये देश चाहता है? हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है मैडम ये, अगर मैं कहता हूँ हिंदू के लिए वक्फ एक्ट हो, अगर हिंदू के लिए वक्फ एक्ट हो उसका भी उतना ही विरोध होगा। मतलब आप सोचिए तो ये कितना अच्छा ये बताइए, ये चीज सिखों के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? ये चीज हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? ये चीज ईसाइयों के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? ये वक्फ के लिए क्यों होगी? आप इससे कन्नी नहीं काट सकते, इससे ना तो गवर्नमेंट शलभमणि रिस्पॉन्ड। ठीक है शलभमणि, सुमैया राणा की बात का जवाब, शलभमणि त्रिपाठी, लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट। देखिए जनता ने क्यों वोट दिया था वो तो आपको समझ में आ गया होगा, आप लगातार एक ही बात रटे जा रहे हैं पिछले 6 सालों से और जनता ने दोबारा जनादेश दिया है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की महान जनता को पता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है।
तो यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। लेकिन हाँ, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि समाजवादी पार्टी और तमाम कांग्रेस जैसे जो दल है वो जरूर बेरोजगारों में, वो जरूर यहाँ पे नफरत की आग झोंकने की कोशिश करते हैं। मुझे बताना चला गया, हाँ बताने की तरफ चला गया, बताने दीजिए आपको हो चुकी है महंगाई। अमीश भाई ऐसे बात नहीं हो पाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं अपनी जगह पे आ चुकी है, महिला इनको बोलिए कि अफसर है, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। अब चलते हैं, अब मदरसे की तरफ रुख करते हैं, अब वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ रुख करते हैं। अरे मेन स्ट्रीम की बात करें भाई, भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? समय पूरा हो गया, मैं अपनी बात रखता हूं। अब आप सुबह राणा सुन लीजिए ना, ये मेन स्ट्रीम की बात है, आपको क्या नहीं लगता कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम का है? पाले हुए थे क्या हुआ? वसीम रिजवी साहब पे इतने घोटालों के आरोप थे, क्या हुआ, किस मामले में? जवाब ले लेते हैं ना, एक सेकंड, ऑडियो ऑडियो डाउन। देखिए ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, उन्होंने एक ये तरीका गलत है, प्रेसिडेंट बना के चेयरमैन बना के उसका इस्तेमाल किया। ओके ओके, चलो बड़ी हमदर्द बन गए, अब वक्त संपत्तियों के हमदर्द बन गए। देखिए कुछ लोग अमीश भाई, कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की जांच होगी तो उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, उनके मॉल भी बंद हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ये जो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज को जांच को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उनको भी पता है कि दरअसल गुनाहगार कौन है, किसने लूटा है, किसने वक्फ की प्रॉपर्टी के जरिए अपना खजाना भरा है, ये सबको पता है। गरीब मुसलमान बेचारे को उसको तो नहीं मिला। वक्फ की प्रॉपर्टी पे कितने यतीम खाने खुल गए जरा बता दीजिए, वक्फ की प्रॉपर्टी पे कितने स्कूल ऐसे खुल गए आप मुझे बता दीजिए। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट मॉल ये तमाम चीजें जरूर खुल गई। और वक्फ की प्रॉपर्टी को जैसे अमीश देवगन जी ने खुलासा किया है, उत्तर प्रदेश में गोचर की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, बंजर जमीन कैसे रातों रात कागज पे वक्फ की प्रॉपर्टी पे आ गई, ये भी जांच में आने दीजिए सामने। अभी मैं देख रहा था कि आजम खान साहब को लेकर आज हाउस में असेंबली के भीतर बात हो रही थी, कैसे वहां पे जो तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, तमाम जो एनिमी प्रॉपर्टीज है उस पे आजम खान साहब का अपना किला खड़ा हो गया। तो ये जवाब ठीक है, सुमैया जी 30 सेकंड, सुमैया जी 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। और मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए, मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। आप कह रही थी कि सरकारी इदारे चल रहे हैं वक्फ पर जो मार्केट रेट पे नहीं है, आपने ये बोला। एक बात बताइए, हिंदू मंदिरों के जो सारे फंड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे और वक्फ को जो फंड मिलता है वो कहाँ जाता है, बताइए जरा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो वक्फ बोर्ड के इस वक्त जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो किसी से छुपे नहीं है। सरकारी इदारे की बात करी तो मैंने पॉइंट आपके सवाल पे ही आ रही हूँ। जो सरकारी इदारे चल रहे हैं वो कोई उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, मंदिर या मस्जिद की मैं बात नहीं कर रही हूँ। उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं। मैं कहता हूँ मंदिर का जो चढ़ावा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन वक्फ को जो किराए मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, बताइए ना इस देश को, बताइए। मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू ये सवाल कर रही हूँ, मैं ये सवाल मैडम आप नहीं सवाल करेंगी, सवाल काम करना मेरा है, सवाल पूछना मेरा काम है। 2014 के अंदर 120 करोड़ रुपए की 2014 में चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 120 करोड़ से 150 करोड़ की जमीन वक्फ को दे दी और अब आपको सरकारी इदारे याद आ रहे हैं। मुझे बताइए, सरकारी इदारे की बात आपकी मैंने मानी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदू मंदिरों का चंदा तो जाता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट को, वक्फ को जो पैसा मिलता है वो कहां चले जाता है? वक्फ को जो पैसा मिलता है वो आपको भी मालूम है कि कितना मिलता है, और इतने बुरे हालात हैं। ना 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 ना, बिल्कुल सुनिए मेरी बात। वहां पर बैठे हुए चेयरमैन साहब, जो मौजूदा जो सत्ता होती है उसकी मलाई खाते हैं लोग, और चेयरमैन की चलती है, और उस वक्त जो सत्ता में होते हैं जिनका तो होने दीजिए सर्वे, बिल्कुल आपने आप ओके ओके फिर होने दीजिए सर्वे। एक सेकंड, वजाहत कासमी रिस्पोंड टू दिस, वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर है, होल्ड ऑन सुमैया जी, होल्ड ऑन वजाहत कासमी जी। अमीश जी, जी जी बोल रहा हूँ। अमीश मुझे बताइए सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, क्या वक्फ का अगर सर्वे हो रहा है तो ये गलत हो रहा है? और क्या आपको लगता है जिस तरह से सुमैया जी भी कह रही है कि वहां पर जो चेयरमैन होते हैं वो सरकारों के साथ मिल जाते हैं, मलाई खाते हैं, अगर वो मलाई खाते हैं तो जांच हो जानी चाहिए, जांच होगी तो सब सामने आएगा। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है जांच नहीं होनी चाहिए, अखिलेश जी कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए। अमीश, जांच इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार की जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जायदाद हैं, दिल्ली से लेके यूपी तक या तो समाजवादी वालों के कब्जे में नहीं है या फिर कांग्रेसियों के कब्जे में है, और जितने भी भू माफिया उस पर कब्जा करके बैठे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो मुसलमानों के मसीहा हैं और मुसलमानों के जो फर्जी लीडरशिप है, ये
तो ये तो जांच नहीं करा पाई, और इसका तो इनको इतना बड़ा वेलकम करना चाहिए अगर योगी जी आज जांच करा रहे हैं तो। ये 500 साल से जो जमीनें दबी हुई हैं, कोई मकानों पर बैठा है, कोई दुकानों पर बैठा है और ये फर्जी लीज करा लेते हैं अपनी नेतागिरी में, तो ये सबसे मुक्ति हो जाएगी, वक्फ बोर्ड को छुटकारा हो जाएगा। और दरअसल दाल में काला है अमीश, आपने जो दिल्ली चौराहे आईटीओ देखा होगा, पुलिस का हेडक्वार्टर, आप मुझे बताइए, एक सदी पुराना मुस्लिम संगठन जमीयत उलामा अपना ऑफिस नहीं बना सका, वक्फ बोर्ड की जगह पर कब्जा करके ऑफिस बनाया हुआ है। परली तरफ भी जमीयत का ऑफिस है, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह पर कब्जा करके बनाया हुआ है। एक एक सदी पुराने संगठन इनकी वक्फ बोर्ड की जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं। और फिर यूपी में तो और उससे बुरे हालात हैं, 5 रुपए की पर्ची पर किराया है, 50 रुपए की पर्ची पर किराया है, तो ये कहां सर्वे होने देंगे अमीश भाई? ये तो दाल में क्या, पूरी दाल ही इनकी काली है, दाली तो पूरी काली है। ओके शादाब चौहान, समाजवादी के ही 80% शादाब चौहान, 30% नेता शादाब चौहान, 30 सेकंड, देन आई विल गो टू वारिस पठान। ओके शादाब चौहान, 30 सेकंड, वो कह रहे हैं पूरी की पूरी दाल ही काली है। या अमीश भाई, मदरसों का सर्वे या वक्फ बोर्ड का सर्वे, ये सब सर्वे करा करके भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत अपनी नाकामी को छिपाकर मुसलमानों को टारगेट करना, और वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी, मुसलमान डोनेट करता है मुसलमानों के लिए, उससे आपको क्या मतलब? और चेयरमैन जो होता है वो जो भी सरकारें रहती है उनका रहता है, तो इन्हीं के लोग जो अब तक कब्जा कुछ कांग्रेस और बीजेपी और सपा के नेता थे, उसके अलावा बीजेपी के लोग उसमें कब्जा किए हुए हैं, वसीम रिजवी को ये बचा रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करके योगी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये बड़ा हिंदू की लड़ाई चल गई है। अब योगी बनाम मोदी चल रहा है, उसमें कौन आगे निकले, मैं सर्वे के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर, ये उन जमीनों पर कब्जा करने का। AIMIM के एक प्रवक्ता नेता ने एक बड़ा बयान दिया है, आइए आपको बताता हूं। असीम वकार का एक बड़ा कबूलनामा है, एक तरफ ओवैसी साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में घोटाले होते हैं, सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में, दोनों में घोटाले होते हैं, ये कहा है। बीते 15 साल में कई बड़े घोटाले हो चुके हैं, ये कहा है। सही जांच में हेर फेर पता लगेगी, यानी वो जांच के साथ खड़े हैं। AIMIM नेता असीम वकार ने क्या कहा है, इस बाइट में सुनिए। अगर सच्चाई में जांच कर ली जाए तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में कि जितने इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो न जाने कितनी जमीनों का हेर फेर मिलेगा कि लोग सोच के पागल हो जाएंगे कि इस तरह। ये इस समय की बड़ी खबर है कि इतना हेर फेर मिलेगा, लोग सोच के पागल हो जाएंगे। अगर हेर फेर इतना मिलने वाला है वारिस पठान साहब, लोग सोच के पागल हो जाएंगे, तो आप काहे विरोध कर रहे हैं? आप ही के नेता कह रहे हैं ये इतना हेर फेर मिलेगा, इतनी चोरी चकारी मिलेगी, लोग सोच के पागल हो जाएंगे। देखिए मेरे नेता, मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा वक्फ बोर्ड का मैटर समझाया कि इनकी नियतों के अंदर खोट है, ये चाहते हैं हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन को अतियाना। तो ये असीम वकार क्यों चोट लगा रहे हैं उन पर बैठे हुए, पूछिए इनको। इन्होंने देखिए अमीश भाई, आप बोलने नहीं देंगे 30 सेकंड के अंदर तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ, आप कमेंट्री चालू रखिए। नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुनिए, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, दर्शक मेरे को बोल रहे हैं वारिस भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी चोरी चकारी लिख लेगी, लोग पागल हो जाएंगे। अरे आपके माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल जानकारी लीजिए। जानकारी अश्विनी उपाध्याय जी बैठे हुए, एडवोकेट है मेरे, लर्नेड कलीग बैठे हुए, इन्होंने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 1995 को स्क्रैप करने के लिए। परसों सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इनको फटकार लगाई है, मेरे पास तो पूरा लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको आप रिलीजियस के एंगल से क्यों कर रहे हैं, क्यों हिंदू एम्पावर्ड बोर्ड जो है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, उसमें भी तो नॉन मुस्लिम लोग हैं। फिर इनको कहा कि अगर वक्फ बोर्ड आप स्क्रैप करेंगे तो उसका बेनिफिट किसको होगा, इंक्रोचमेंट को, जो इंक्रोच करके बैठे, तो आप क्या चाहते हो इंक्रोचमेंट वाले को बेनिफिट वहां पर मिल जाए, उसके बाद सरकार जाए वो जमीन ले ले। और फिर वारिस भाई आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 35 सेकंड के 40 सेकंड दे दिए। जमीन को वारिस जी सरकार का ये टारगेट है मुसलमानों को, आप लर्नेड नेता है वारिस जी आपने ईमानदारी से बोलिए, आपने दिल पे हाथ रखे, आपने बोला अमीश जी मुझे 30 सेकंड चाहिए, मैंने आपको 45 सेकंड दिए अपनी बात को रखने के लिए, आपने 1 मिनट बोला, अब
दस सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप ही का जवाब मैं सुनूंगा, तीस सेकंड। और एक बात मुझे बताइए, एक खुलासा हमने किया, आपने तब आपत्ति जताई थी जब एक हफ्ते के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ की लगभग लगभग 120 प्रॉपर्टीज, जिनकी वर्थ 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच की है, वो वक्फ के नाम कर दी थी, तब आपत्ति जताई थी। जवाब है नहीं। आपके नेता कह रहे हैं, अब आपके एक प्रवक्ता, आपके फेलो प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतनी गड़बड़ मिलेगी वक्फ के अंदर कि लोग पागल हो जाएंगे। ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। आप मुझे बताइए दोनों पर आपका क्या कहना है, आप भाग नहीं सकते इस बात से। देखिए गड़बड़ अगर है, इतनी गड़बड़ है लोग पागल हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है ना, अरे ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है सरकार, सरकार को किसी ने रोका? ट्रिब्यूनल पे पिटीशन फाइल करे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर भी है, शिया वक्फ बोर्ड के अंदर भी, वहां पे सीईओ है वक्फ के, सीईओ को बोले के भाई ठीक है, करप्शन के साथ क्यों है? अगर वहां चोरी चकारी हुई है तो खुलासा होने दीजिए। 1995 का सर्वे होने दीजिए ना वारिस जी, 83 कहता है, सेक्शन 83 है वारिस जी, तो सर्वे होने दीजिए। आप चोरी चकारी के साथ तो खड़े खड़े हो सकते हैं, आप तो ईमानदार आदमी है, मैं जानता हूं आपको, आप मेरे के साथ भी है, आप चोरी चकारी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर कहीं करप्शन है तो एक्सपोज होनी चाहिए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हिंदू मुस्लिम, इट इज द मैटर ऑफ ह्यूज करप्शन, इट इज नॉट द मैटर ऑफ हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुसलमान से इसका ताल्लुक ही नहीं है कोई। मटों का भी सर्वे करवा देते हैं, होता ही है, जन्मभूमि के नाम होता ही है, जिसमें हमारे होता ही है, सभी का सर्वे घपलाबाजी किया है, हमारे हिंदू भाइयों के पैसों का घपला किया है, वहां का भी सर्वे करवाते हैं। सबका सर्वे होता है सर, जो घपला करता है कई करता है वो पकड़ा जाता है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मुझे बताइए, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मंदिरों का सर्वे हो जाए लेकिन वक्फ का सर्वे नहीं होना चाहिए। मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है ना, वक्फ के नाम पर। दिल्ली के अंदर कृष्णा क्लॉथ मार्केट है, उसकी कई दुकानें वक्फ के नाम है, मंदिर ट्रस्ट। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में नील कट रहा, उसकी कई दुकानें वक्फ के नाम है, का सर्वे क्यों नहीं क्या करेंगे? सीताराम बाजार है, उसकी कई दुकानें कहते हैं वक्फ के नाम, गवर्नमेंट स्कूल का नहीं करोगे, मदरसों का? अरे तमिलनाडु में एक पूरा गांव है, नहीं करेंगे विद्या मंदिर, वहां पे मंदिर है 1500 साल पुराना, वो भी वक्फ के नाम हो गया है। देश का जो कानून है ना अमीश भाई, कानून तो वही तो कह रहे हैं। अरे तो असीम वकार ने कहानी एक बोल दी, ओके कानून बोलता है सेक्शन 83 है। ओके लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव, उन्होंने ये भी कहा ना पीछे वजात, के भाई वजात कासमी, वजात कासमी एआईएमआईएम के बड़े नेता, एआईएमआईएम के बड़े नेता असीम वकार कह रहे हैं कि इतनी चोरी चकारी है कि लोग पागल हो जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि मेरे सदर तो आप ओवैसी साहब है, उनकी बात को मैं नहीं मानता। वारिस भाई मैं उनकी बात मानेगा, मैं सदर साहब की बात ठीक है मानिए, आप अपने सदर की बात मानिए, लेकिन वो भी सदर की बात मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना घुला इतना इतना करप्शन निकलेगा लोग पागल हो जाएंगे। देखिए देखिए अमीश भाई सुनिए, मैं आपको ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं असीम वकार सच बोल रहे हैं, असीम वकार सच बोल रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा होगा, और समाजवादी का कोई मुस्लिम एमएलए, कोई मंत्री, एक्स मंत्री, पूर्व मंत्री, कोई बचने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के कब्जे हैं। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी तक एक बात ये पहुंचानी है आपके थ्रू अमीश भाई, कि जो समाजवादी के जमाने में चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, फिर वो बसपा के जमाने में थे, फिर वो समाजवादी के जमाने में थे, फिर अब बीजेपी के भी जमाने में पिछले 5 साल गुजर गए, मैं ऐसी वक्फ बोर्ड में कौन सी मलाई है जो पिछले 20 साल से वो पद छोड़ना नहीं चाहते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार इंसान जो उत्तर प्रदेश को एक सदी भी नसीब नहीं होगा, कैसे घुमा फिरा करके वहां भी उन्होंने अपनी बात रखी होगी? जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो इस बात का पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड कैसे गया और कहां गया है, लेकिन आज भी 20 साल से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बैठा हुआ है, क्यों नहीं छोड़ना चाहता वक्फ बोर्ड की सीट को? क्या सोना चांदी दबा हुआ है इस वक्फ बोर्ड की? और मैं फिर कहता हूं भाई, जांच होने दो, जब दामन साफ है तो ये चिल्लाते क्यों हैं? दामन साफ है तो चिल्लाते क्यों हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दामन साफ निकलेगा, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला। मैं शदाब चौहान को लेकर आता हूं, फिर मैं शलभ जी आपकी बताऊंगा। शदाब चौहान, असीम वकार ने तो दूध का दूध और पानी पानी कर दिया, उन्होंने बोला कि इतनी चोरी चकारी निकलेगी कि लोग पागल हो जाएंगे। मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछता हूं, आपने तब आवाज उठाई थी जब एक हफ्ते के अंदर यूपीए के शासन ने आचार संहिता लगने से एक दिन पहले लगभग लगभग 100 करोड़ की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी थी दिल्ली के अंदर, तब आपने सवाल उठाया था, जब 1995 में यह एक्ट आ गया था जिसमें प्रूफ करना काउंटर पार्ट का काम होगा, जिस जो जो वक्फ बोर्ड जमीन क्लेम कर लेगा वो पार्टी क्लेम करेगी कि उसकी जमीन है, उसको प्रूफ करना होगा, तब आपने ऑब्जेक्शन करी थी 1995 में। आज आपको ऑब्जेक्शन हो रही है क्योंकि आज खुलासा होने वाला, इसलिए
सुनिए, कोई खुलासा नहीं। ये जो भाई साहब बैठे हैं टोपी लगा के, जो भाई साहब बैठे हैं ये चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, इसलिए चापलूसी और नाटक कर रहे हैं। वो छोड़िए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। वो उनका अपना प्रयास है, करते रहिए। वो कोई बात नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। वो तुम्हें तुम जो है मुसलमानों के वोट से महरूम हो, शादाब तुम्हें मुसलमानों ने नकार दिया है। अरे भैया नकार दिया, वारिस पठान को नकार दिया, यहाँ बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हें मुसलमानों ने नकार दिया है, तुम शर्म करो। तुम्हारी जमानतें नहीं बची है, ना वारिस पठान की जमानतें बची है, ना तुम्हारी बची है। यहाँ टीवी पे बैठ के लीडरशिप बनने, लीडर बनने से कोई फायदा नहीं होता। मुसलमानों ने तुम्हारे डिब्बे गोल कर दिए हैं। तुमने जो वहाँ डिपॉजिट भरा था वो भी गायब हो गया है। अरे मुसलमान ने तुम्हें मान ही नहीं रहा अपना लीडर, बस यहाँ बैठ के बकवास कर देनी है। अरे तुमने बस की जमीन नहीं दबाई तो सर्वे होने दो ना। तुमने दुबई कतर से चंदा नहीं लिया, सर्वे होने दो ना। अगर तुम्हारे बाप दादा ने जमीन कब्जा नहीं की तो सर्वे होने दो। सर्वे से क्यों डर रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि सर्वे करके वकबोड़ की जायदाद को बचाया जाएगा, ये तो अच्छी बात है। जो अखिलेश नहीं कर सका, जो बहन जी नहीं कर सकी, जो कांग्रेस नहीं कर सका, वो योगी जी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। फिर अपनी अपनी बात को रखिए। समझ रहा हूँ मैं, टीवी वाले बोला ना, आपकी हैसियत कुछ नहीं है। योगी जी को भी पता होना चाहिए कि आपकी हैसियत, आपकी हैसियत है, मुसलमानों के दरमियान कुछ भी नहीं है। और आप मलाई खाना चाहते हैं खाली? अरे आप खाली मलाई नहीं मिली, छटपटा रहे हैं। आपका डब्बा गोल है, डिपॉजिट भी गायब है ना। वो वैसी साहब की हैसियत निकली, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, डिपॉजिट भी तुम्हारा गायब हो गया तो अंगूर खट्टे। अरे ना कोई लोमड़ी है ना कोई अंगूर है, लेकिन इस समय एक सेकंड शदाब, अभी आपने बोला लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ना अंगूर की बात है ना लोमड़ी की बात है। मुझे ये बताइए, कोई उल्लू तो है नहीं यहाँ पर? मैं उल्लू शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको रात को दिखता है दिन को नहीं दिखता। एक बात बताइए, एक चीज बताइए शादाब, क्या आपको लगता नहीं है मेरा जो बेसिक पॉइंट है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द बेसिक पॉइंट। आपने 2014 में सरकार का शासन आदेश आया, वो शासन आदेश आपको मंजूर था जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। आपको 1995 में शासन आदेश आता है वक्फ एक्ट के तौर पर, जिसको आपको कबूल होता है, लेकिन ये शासन आदेश आपको कबूल नहीं है, जिसमें एक्ट कहीं नहीं जा रहा, जिसमें जमीन कहीं नहीं जा रही, सिर्फ उसकी सर्वे की बात हो रही है। ऐसा क्यों? हर चीज को हिंदू मुसलमान की चश्मे से देखेंगे, मुसलमान भी कह रहे हैं कि इसमें करप्शन है। करप्शन को आप करप्शन को बाहर क्यों नहीं करना चाहते? लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति है वक्फ के पास। अगर 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 रेलवे और सेना के पास किसी के पास रेलवे और सेना के पास किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अरे अमीश भाई, अब जितनी आपने शालीनता से सवाल किया है पूरे देश को, एक सेकंड मजाक रुक जाइए, मजाक जी रुक जाइए, बताइए कि रुक जाइए। अरे आई नीड इनको चुप कराइए, शदाब 30 सेकंड्स। मैं बहुत ही स्पष्टता से जवाब दे रहा हूं। रेलवे पे कितनी जमीन है, अडानी साहब को 1 रुपए स्क्वायर मीटर गुजरात में किसने जमीन दी, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जो वक्फ की जमीन है, चाहे 8 लाख स्क्वायर मीटर हो या 18 लाख स्क्वायर मीटर हो, ये जमीन मुसलमानों ने डोनेट की है, मुसलमानों की, बला महमूदिया ने की, उनकी तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। और अगर उसमें कोई गलत कर रहा है, अब रुकिए, अब रुक रुक रुको 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 शदाब भाई, शदाब जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब आपने मुंह में हाथ डाला है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आपने बोला ये मुसलमानों ने डोनेट करी है, मुंह में हाथ डाला है आपने, क्योंकि आप लोग बिना तैयारी के आते हो। अब मैं आपको बताता हूं, एक बात बताइए, हिंदू बहुल है तमिलनाडु का, एक सेकंड सर, आवाज 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 उठाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे बीच में बोले आप बोल लो, आप 20 सेकंड और बोल लो, आप 20 सेकंड और बोल लो, मैं आपको और 20 सेकंड दे देता हूं, अब तसल्ली बख्श हो जाओ आप। वारिस पठान ऑन अदर साइड एंड मिस्टर शदाब चौहान ऑन अदर साइड एंड मिस सुमैया राणा ऑन अदर साइड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप को पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहता हूं, सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ये वक्फ की जमीनों को डोनेट करते हैं इसलिए वक्फ को मिल जाती है। 1995 से पहले ये कुछ नहीं था, लेकिन 1995 में कांग्रेस के शासन एक शासन आदेश लेके आता है, उसके बाद ये एक्ट बनता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है व्यूअर्स, उसका रिजल्ट क्या होता है उसको इत्मीनान से सुनिए अगले 30 सेकंड मुझे। कुछ भी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए,
जरूर सुनिए, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आई टेल यू द होल स्टोरी टुनाइट। फैन भी छोड़ दिया, टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। एक सेकंड, हिंदू बहुल गांव है तमिलनाडु में एक, जिसका नाम है तिरुंचे थुरई, हो सकता है इसका प्रोनंसिएशन मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ये गांव यही है। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी मलकियत घोषित कर दिया है और इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, 1500 years old temple। उस 1500 साल पुराने मंदिर पे भी दावा ठोक दिया है वक्फ बोर्ड ने। जमीन बेचने के दौरान युवक को जानकारी मिली, लेकिन इत्तेफाक देखिए, मंदिर 1500 साल पुराना है और इस्लाम जैसी जानकारी उपलब्ध है वो 1400 साल पुराना है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आई रेस्ट माय केस हेयर। इसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन 1995 में कांग्रेस की सरकार एक शासन आदेश लेके आती है और उस शासन आदेश के बाद दिस हैपेंस एंड दिस इज ट्रुथ, ये सच्चाई है, मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मंदिर भी मुसलमान दान कर रहे हैं हिंदुओं का। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे शादाब चौहान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कैन यू आंसर इट? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने अपने तमाम सवालों का जवाब दे दिया। अब तक कहते थे अक्रांत आए उन्होंने मंदिर तोड़े, आज कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन वहां पर मस्जिद है और वहां सब कुछ पूजा हो रही। मतलब कि मुसलमान किसी के मजहब पर ना कभी हमला करने में विश्वास करता और वही विचारधारा हमारी है, लेकिन वक्फ के नाम पर मुसलमानों के नाम पर देश को मत डराओ, रोजगार शिक्षा 1500 साल पुराना मंदिर है, एक्सपोज हो गए। वो वक्फ की मिल्कियत कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टीज हमारी प्रॉपर्टीज है और हमारी प्रॉपर्टीज पे कोई कब्जा करेगा? अच्छा, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ हमारे आबाओ, अब 1500 साल पुराना मंदिर है, 1400 साल पुराना। अच्छा एक बताइए, एक शादाब भाई आप तो पढ़े लिखे आप कहते हैं आप हैं, एक बात बताइए, इस्लाम कितना पुराना है? हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 1400 इयर्स ओल्ड? जब से नहीं 1400 साल पुराना है, आंकड़े क्या कहते हैं? जब से, सुनिए, नहीं ये आपकी गलत फहमी है, आप जानकारी कीजिए। लास्ट प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे साल बताइए ना आप मुझे, दुनिया मुझे साल बताइए ना जो है वो आदम अलैहि सलाम है। अरे मैं कुछ, मैं तो आप साल बताइए ना। ओके ओके, बारिश पठान ऑन स्क्रीन, हम याकूब अलैहि सलाम को भी मानते हैं। वारिस पठान मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय, देन आई गो टू कम टू शलभ मणि एंड वारिस पठान। अश्विनी उपाध्याय, देखिए अमित जी बड़ा सीधे सीधे एक्सपोज हो गया। एक तरफ कहते हैं हम तो बड़े गरीब हैं जी, सच्चर कमेटी कहती है हम तो बड़े भूखे मर रहे हैं, हमारे पास जमीन है। तो जो कम्युनिटी भूखे मर रही है, बदहाल है, गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, हर तरीके से परेशान है, वो अपनी जमीन दान कैसे कर रही है? अरे जिसके पास जमीन होगी पहले खेती करेगा, अपने बच्चों को हिष्ट पुष्ट बनाएगा, खुद खाएगा पिएगा, खुद स्वस्थ होगा, खुद अमीर बनेगा या दान कर देगा? ये सारी की सारी जमीन, कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया का काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है, वक्फ बोर्ड आदिवासी एरिया में जाके कन्वर्जन करवा रहा है। आदिवासी बहुल एरिया में जहां बेचारे गरीब रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहां जंगल के जंगल वहां जाके वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी है। या तो कन्वर्ट हो जाओ नहीं तुम्हारी जमीन चली जाएगी। उसको दबाना चाहते हैं आप, राम मंदिर जमीन घोटाले पर बोलिए साहब, इनकी ज्ञानवापी नहीं दलील है। नहीं नहीं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ अमित जी, ज्ञानवापी में मैं बहस कर रहा था, मुस्लिम साइड की यही दलील थी, ये वक्त की प्रॉपर्टी है, आप लखनऊ जाओ वक्त ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट ने नकार दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, सांच को आँच क्यों? एक बार सारे कानून ये वक्फ बोर्ड खत्म होने दो, एक कानून आएगा सबके लिए, एक बोर्ड होगा सबके लिए, जमीन का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल ही क्यों चाहिए? किसी और के पास तो नहीं है? हिंदू फैमिली बिजनेस टैक्स रिवेल खत्म कराने जा रहे हैं, क्या आप दलितों का और ओबीसी समाज का रिजर्वेशन छीनने जा रहे हैं? अश्वनी जी सेकंड क्लास सिटीजन है, हिंदू जैन बौद्ध सिख क्या सेकंड क्लास सिटीजन है क्या भैया? तो आप बनाना चाहते हैं, मुसलमान आप नहीं बना पाएंगे सेकंड क्लास सिटीजन, सदियां लग जाएंगी आपको, लेकिन हम तो सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना पाएंगे आप और बीजेपी मिलकर। तीनों पाप आप बात करिए राम जन्मभूमि में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और। ओके ओके, शलमणि ओके, शलमणि त्रिपाठी शलमणि, ओके ऑल ऑडियो जाओ, शलमणि त्रिपाठी और सुमैया राणा पेशेंटली अपनी टर्न का वेट करें। शलमणि आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास बाद में आ रहा हूं, लेकिन स्टोरी इतनी बड़ी है ये,
यू बीइंग अ फॉर्मर जर्नलिस्ट यू रियलाइज इट द स्टोरी इज सच अ बिग स्टोरी. इस समय मैंने जो तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया दिस इज ऑल ट्रूथ. सोचिए नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था 2014 के अंदर, हम सबको पता है. मतलब हर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहा था इट इज अ मैसिव विन फॉर भारतीय जनता पार्टी. और आचार संहिता से एक दिन पहले शासन आदेश आता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती. आपने सरकारों को फॉलो किया है, सरकार में काम किया है, मुख्यमंत्री के आप सलाहकार रहे हैं. एक हफ्ते के अंदर कितनी भी तेज सरकार हो, एक हफ्ते के अंदर 120 से 150 करोड़ की जमीन दिल्ली के अंदर क्या दे दी जाती है एक हफ्ते के अंदर? मैं ये नहीं बोल रहा गलत दिया गया सही दिया गया, क्या इतनी जल्दी फैसले होते हैं? डोंट यू सी अ कॉन्स्पिरेसी? अमीश भाई कॉन्स्पिरेसी तो जो है वो आपने सामने रख दी है, उसके पीछे क्या नियत है क्या मंशा है वो भी सामने रख दी, और बाकी जो बचा था वो यहाँ वजाहत साहब ने रख दी है, आसिम वकार ने रख दी है. आसिम वकार साहब टीवी चैनल पर बैठते हैं, आपके साथ भी बहुत बार डिबेट हम सब ने की और बड़ा हमने आपस में बहुत वैचारिक मतभेद है, लेकिन आसिम वकार ने आज सच बोल दिया तो वो मुसलमान नहीं है. वजाहत साहब ने आज सच बोल दिया तो उनकी गोल्ड टोपी को लेकर मजाक कौन उड़ा रहा है? शरद मणि ने नहीं उड़ाया, अश्विनी उपाध्याय जी ने भी नहीं उड़ाया. कौन उड़ा रहा है वो आप टीवी चैनल पर देख लीजिए. यानी जो गरीब मुसलमान की बात करेगा उसका मजाक उड़ाएंगे, जो गरीब मुसलमान की बात करेगा उसको फर्जी मुसलमान बता देंगे. हम तो कह रहे हैं ना कि ये देश में ये हमारा हमारी जमीन हमारा कानून हमारे मदरसे, ये वक्त चला गया. अब वक्त ये है हम सबका. इस देश में जो भी कुछ है वो 130 करोड़ भारतीयों की जवाबदेही है, 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है. अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इसमें आप हमारा हमारा करके नहीं चल सकते. और अगर गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं ना कि आसिम बकार ने कहा कि जांच हुई तो पागल हो जाएंगे, मैं तो देख रहा हूं कि जांच का बात सुन के लोग पागल हैं. जांच होनी तो छोड़ दीजिए, ये कौन सी मलाई काटते रहे, कौन सी चांदी काटते रहे? गरीब मुसलमान के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की, कहीं पे ग्राम सभा की जमीन ले ली. आजम खान ने क्या किया है जरा पता करिए, एनिमी प्रॉपर्टी से लेके और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तक पर कब्जा किया उन्होंने, और किसका हक मारा? गरीब मुसलमानों का हक मारा. आप कहते यतीम खाने वाले. सुमैया राणा, आजम खान ने गरीब मुसलमान की प्रॉपर्टी का हक मारा. और मैं ये कहता हूं इसमें इसमें ज्यादा पीड़ित, मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे पास जानकारी है, इसमें अधिकतर पीड़ित मुसलमान ही है बेचारे, अधिकतर पीड़ित मुसलमान ही है बेचारे. इसका हिंदू, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जो अखिलेश जी कह रहे हैं. सुमैया राणा, ये हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है तो अखिलेश जी को हिंदू मुसलमान क्यों बनाना चाह रहे हैं? बीजेपी का यही आरोप है. इसमें तो पीड़ित मुसलमान है. शलमणि कह रहे हैं आजम खान ने कई जमीन दबाए रखी है, और असीम वकार ने बोला इतनी चोरी चकारी है कि लोग सुन के पागल हो जाएंगे. अमीर जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा बड़ा अचंभा हो रहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने भोले भाले हैं कि 20 साल से कुर्सी पे काबिज को आपने पिछले 5 टर्म भी रखा और इस 5 टर्म भी, और अचानक ख्वाब आया कि चलो अब वक्फ संपत्ति पर सर्वे कराया जाए, कुछ ना कुछ घपला होगा. घपला है बिल्कुल है? मैं आपके चैनल के थ्रू ये मांग करती हूँ, मैं मांग करती हूँ कि जो 75% वहाँ पर ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं लोग, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या उनको रेगुलर करेगी? मैडम 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 मैडम, आप मुझे मेरे बेसिक सवाल का जवाब दीजिए. कर रहे हैं लोग, क्या उनको रेगुलर करेगी? आप खिलाफ क्यों हैं इसकी? इस कम्युनिटी की इतनी हितैषी क्या क्या 1986 में बना मुसलमान महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए क्या उनको बेरोजगारी भत्ता देगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, अरे तीन तलाक पर हाहाकार मचाने वाली सरकार क्या महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी? इस बात की आप खुलासा इस बात का क्यों नहीं करते हैं कि हाँ इस बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा? ये 75% और उसके अलावा, और उसके अलावा, और उसके अलावा सुनिए शलभमणि जी, आप भी सुनिए, और उसके अलावा जो बोल रहे हैं, ओके लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन एमएलए शलभमणि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड. शलभमणि, मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक बहन है, एक महिला है, और तीन तलाक को लेकर कितनी मुखर होकर बोलती है, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है. अरे सबक लीजिए ईरान की उन बहनों से जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा दी. आप बहन हैं, साथ में माँ भी होंगी, आपकी भी कोई बहन होंगी, लेकिन आप तीन तलाक के खिलाफ बोलती है. जवाब तीन तलाक के खिलाफ जो काम हुआ है आप उस पर जब बोलती है तो बड़ी हैरानी होती है कि आप समाजवादी पार्टी की जो ओछी मानसिकता उससे ऊपर नहीं उठ सकती. समाजवादी पार्टी की जो ओछी राजनीति है आप उससे ऊपर नहीं उठ सकती. आप एक महिला होने के बावजूद, आप एक बहन होने के बावजूद, आप एक
किसी की बेटी होंगी, आप भी किसी की माँ होंगी, उसके बावजूद आप तीन तरह के पक्ष में जवाब खड़ी होती है, ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि समाजवादी पार्टी की जो ओछी राजनीति है, जो समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता है, वो किस कदर आपके ऊपर पड़ी हुई है। आप वक्त की प्रॉपर्टी के खिलाफ क्यों है? आप जोड़े चाहते गरीब मुसलमानों को हक मिले? वक्त प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में किसने कब्जा किया आपको नहीं पता? लखनऊ में किसने कब्जा किया हुई आपको नहीं पता? लखनऊ में जिन लोगों ने वक्त प्रॉपर्टी कब्जा की है, आप उनको प्रतिनिधित्व क्यों कर रही है? जिन महिलाओं को हमने क्यों कर रही है? आप भ्रष्टाचार के साथ क्यों खड़े हो? आपको नहीं मिला आज के बाद भारतीय जनता पार्टी सारी महिलाओं को मैं दोबारा रोकता हूँ इस चर्चा। देखिए, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज मिल नहीं रही है, या तो आप एक्टिंग कर रही हैं नहीं मिलने की, या तो आपको जवाब नहीं देना, तीनों में से एक ही बात हो सकती है। मैं दोबारा आपको मैडम मौका देता हूं, आपको फिर मैं 30 सेकंड देता हूं, एक बात बताइए, अखिलेश जी को ये हिंदू मुसलमान क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें अधिकतर पीड़ित मुसलमान है, जबकि तो सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत क्या है? सब इधर उधर की बात करिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, लेकिन इस विषय पर आप कुछ नहीं बोल रहे। मंत्री जी के ख्वाब में क्या अखिलेश जी आए थे कि वक्फ संपत्ति का सर्वे कराइए? दिक्कत क्या है सर्वे से? दिक्कत क्या है सर्वे से? परेशानी क्या है? आप मुझे दो लाइन में बताइए, सर्वे से परेशानी क्या है? अगर सर्वे होगा तो दिक्कत क्या होगी? मैडम दिक्कत क्या होगी जो अखिलेश जी आकर के या तो आपसे कह रहे होंगे? मैडम दिक्कत क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी का काम ही है मेन मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान वक्फ मदरसा, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? वक्फ में अधिकतर पीड़ित मुसलमान है, इसमें हिंदू मुसलमान है कहाँ पर? वक्फ किसके लिए है? मुझे अमीर जी खामोशी से एक बात का जवाब दीजिए, मुझे खामोशी से एक बात का जवाब दीजिए आप कि वक्फ संपत्ति जो वक्फ बोर्ड है उसकी तनख्वाह क्या गवर्नमेंट देती है? ओके, आप तनख्वाह पे अटके हुए हैं। ओके, शदाब चौहान एनलाइटन दिस नेशन, प्लीज इनलाइटन दिस नेशन इन दिस डिबेट, इस देश को रोशनी डालिए कि दुनिया में कहां और वक्फ बोर्ड है, कोई और जानकारी है आपके पास? ओके ओके ओके, इनलाइटन दिस नेशन। आप क्या देंगे वक्फ बोर्ड को? नहीं, एक सेकंड एक सेकंड सुमैया राणा और शदाब चौहान व्यूअर्स रुक जाइए, असीम से अपील करिए कि वो दें। शलभ होल्ड ऑन गरीब मुसलमानों का हक लूटते रहिए और कोई बोले भी ना। अच्छा, मैं गरीब मुसलमानों को हक क्यों नहीं देना चाहते? इसमें तो गरीब मुसलमान वर्सेस जो एक सेकंड दुनिया में शदाब चौहान आवाज मिल रही है आपको? दिया जाए, लगता शदाब तक आवाज नहीं जा पा रही है। ओके ओके, सुमैया राणा आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरे गरीब मुसलमान का अधिकार, शदाब चौहान आवाज मिल रही है आपको? सुमैया राणा आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुमैया राणा, ऑल ऑडियो डाउन, एक सेकंड, सुमैया जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुमैया राणा आपको मेरी आवाज मिल रही है? बैठ के बहुत बड़ा मुसलमानों का परचम लहराते हैं। सुमैया राणा शांत रहिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया में कहीं और वक्फ बोर्ड है क्या? कहीं और वक्फ बोर्ड है दुनिया में? यहां है, हमारे देश में है ना वक्फ? यहां तो है ही, दुनिया में है? जवाब है नहीं। वसीम रिजवी, जवाब है नहीं, कहीं दुनिया में है ही नहीं वक्फ बोर्ड। यहाँ पूरी कहानी आप लेके आ रही हैं, आज की चर्चा का निष्कर्ष चाहिए, अगर सांच को आँच नहीं है तो जांच में खलल क्यों कुछ लोग डालना चाहते हैं? अगर सांच को आँच नहीं है तो जांच में खलल क्यों